नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पियर पक्षी ने ससुराली जन पर फांसी लगाकर मारने का लगाया आरोप। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव टोटरी में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नवविवाहिता का शव घर के अंदर कमरे में फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। जानकारी के मुताबिक कंचनपुर थाना क्षेत्र के गाँव टोटरी में उस वक्त सनसनी फैल गयी जब एक घर के अंदर नवविवाहिता का शव घर के कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई तो उन्होंने मृतका का शव फांसी के फंदे से नीचे उतार लिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घटना की सूचना स्थानीय कंचनपुर थाना पुलिस को दी। कार्यवाहक सैपो सीओ मनोज शर्मा ने कंचनपुर थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया और भरतपुर से एसएफएल की टीम बुलाई। टीम ने घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर बाड़ी राजकीय चिकित्सालय के शव गृह में रखवाया और पियर पक्ष को सूचना दी। मृतका के पिता राज बहादुर सिंह सिकरवार निवासी खिड़ौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश ने अपनी 20 वर्षीय पुत्री वर्षा की शादी धौलपुर जिले की उप तहसील कंचनपुर क्षेत्र के गांव टोंटली निवासी मोहकम सिंह के पुत्र परवेंद्र सिंह उर्फ तुलसी के साथ अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर 18 जून 2021 को शादी की थी। मृतका के पिता राज बहादुर ने ससुराली जनों पर फांसी लगाकर वर्षा को मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, मैंने 18 जून को अपनी बच्ची की शादी टोटरी गांव में की। मोहकम सिंह के बच्चा के लिए तुलसी के लिए मैंने शादी की थी। सर, मेरे को मतलब पता पड़ा है, बताए फांसी के फंदे में उन्होंने लटका करके मेरी बच्ची को ख़त्म कर दिया। मैंने देखा जाके लाश में दिया। सर, लाश में दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। ये आज दिन में एक सूचना मिली थी कि टोटरी गाँव में एक लड़की ने फांसी खाकर आत्महत्या कर लिया है। इस पर श्रीमान वर्ताधिकारी मोदे सीओ साहब मनोज कुमार जी मौके पर पहुँचे। मोबाइल फोरेंसिक यूनिट की टीम को बुलाया गया, जिस पर जाब्ता समय पर पहुँचा। समय पहुँचा तो देखा कि मृतका की लाश को पहले उतार लिया गया था परिजनों द्वारा, किंतु मृतका के बॉडी पर गले पर मिले निशान और मृतका के फंदे वगैरह, उससे प्रथम दृष्टा पाया गया कि मृतका ने फांसी से फंदा लगाया। मृतका का नाम श्रीमती वर्षा पत्नी परेंद्र जाति ठाकुर निवासी टोंटरी का होना पाया गया है। मृतका के परिजन मौके पर उपस्थित आ गए, जिनको तहरीर के लिए कहा गया है और जो जिस प्रकार की तहरीर देंगे उस हिसाब से कार्रवाई की। टोल को लेकर हुआ विवाद, मुंह पर सापा बांध दबंगों ने केबिन के अंदर घुसकर कर्मियों को धमकाया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने पर सैपो थाना प्रभारी ने शुरू की जांच। धौलपुर जिले की कैथरी ग्राम पंचायत के पास स्थित टोल प्लाजा पर कर्मियों के दबंगों से टोल मांगना शायद महंगा पड़ गया है, जिसके बाद मुंह में सापा बांध कर दबंगों ने केबिन के अंदर घुसकर कर्मियों से नोक झोंक की और उन्हें डरा धमका दिया है। मामले को लेकर टोल मैनेजरों ने कोई कार्रवाई नहीं की तो कर्मियों ने टोल में लगे सीसीटीवी कैमरे से घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। 2 मिनट 6 सेकंड के वायरल हुए वीडियो में केबिन के अंदर कुछ कर्मी काम कर रहे थे, इसी दौरान मुंह में साफा बांधकर आए करीब आधा दर्जन से अधिक दबंगों से किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। अंत में एक दबंग ने फोन पर बात की और फिर सभी चले गए। मामले को लेकर टोल मैनेजर लोकेंद्र और जूनियर टोल मैनेजर दीपक शर्मा ने खुद की छुट्टी बताते हुए मामला एक दूसरे पर टालते रहे। टोल मैनेजरों का कहना है कि मामला उनके ही यहां का है, लेकिन उन्होंने बताने से मना कर दिया। सैपो थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने इसकी जांच की तो मामला कैथरी टोल प्लाजा का निकला। थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से वीडियो बनाया गया है जिससे उसमें कोई आवाज नहीं आ रही है। इस संबंध में टोल मैनेजर को बुलाया गया तो उन्होंने सुबह आने को कहा लेकिन नहीं आए, जिसके बाद दोबारा संपर्क किया तो उन्होंने शिकायत देने से मना कर दिया। सैपो थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और दबंगों को चिन्हित किया जा रहा है। रक्तदान महादान, इससे बचती है किसी की जान। डीएम विप्र फाउंडेशन ने बरसगांठ पर रक्तदान शिविर लगाकर 65 यूनिट ब्लड किया एकत्रित। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ धौलपुर ने संगठन के एक वर्ष पूर्ण होने पर शनिवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन एक निजी कॉलेज में किया गया। शिविर का शुभारम्भ जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने की। इस मौके पर जिला कलेक्टर आर के जायसवाल ने कहा कि कोविड की वजह से रक्तदान करने वाले युवाओं की संख्या कम हो गई थी, जिसके कारण ब्लड
ब्लड बैंक में रक्त का स्टॉक मात्र 22 यूनिट रह गया था, कि धौलपुर के लिए चिंता का विषय था। लेकिन जिला प्रशासन के एक आह्वान पर विप्र फाउंडेशन ने 65 यूनिट रक्त एकत्रित कर मानवता का काम किया है। उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। ब्लड का उत्पादन नहीं किया जा सकता और न ही इसका कोई विकल्प है। जरूरतमंद को तुरंत सहायता पहुँच सके इसके लिए हमको रक्तदान जरूर करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन रवि व्यास खेमरी ने किया। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में होर्डिंग लगाकर वर्ष भर किए गए सामाजिक कार्यों का ब्यौरा दिया गया। युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि विप्र फाउंडेशन के द्वारा कोरोना काल में जिला प्रशासन को ऑक्सीजन सिलेंडर और हाई फ्लो मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ धौलपुर ने आज SN कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 60 यूनिट के लगभग ब्लड का डोनेशन अब तक हो चुका है और आगे भी ये प्रक्रिया 4:00 PM तक जारी रहेगी। तो जिस तरीके का काम विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ ने हम सब लोगों ने किया है और उससे लगभग जो ब्लड बैंक में धौलपुर में रक्त की कमी चल रही थी वो एक हद तक पूरी होगी और ये जो रक्त है वो बहुत से परिवारों को संबल प्रदान करेगा। जिला पुलिस अधीक्षक ने 2 पुलिस चौकियों के 1 ASI, 9 हेड कांस्टेबल व 26 कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह सेगावत ने आज शनिवार को एक आदेश जारी कर जिले की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए शिकायत के आधार पर जिले की 2 पुलिस चौकियों के 1 ASI, 9 हेड कांस्टेबल और 26 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। इनमें कोतवाली धौलपुर की टाउन पुलिस चौकी, पुराना शहर व सदर थाना धौलपुर की पचगांव पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ शामिल है। जिला परिषद सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन जिला परिषद सभागार धौलपुर में किया गया। बैठक में राज्य सरकार की घर घर औषधि योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 8-8 औषधीय पौधे वितरित करने के संबंध में कार्य योजना तैयार करने पर चर्चा की गई। बैठक में घर घर औषधीय, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा एवं जल जीवन मिशन के संबंध में चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में विकास अधिकारीगण ADPC समसा मुकेश गर्ग, DDI CDS भूपेश गर्ग सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। खुशी के आंसू बिछड़ने का गम, आवासीय वृद्धजन को मिला अपना परिवार। धौलपुर जिला मुख्यालय पर संचालित वृद्ध आश्रम में आवासीय वृद्धजन को शनिवार को अपना परिवार मिला। गौरतलब है कि एक आवासीय वृद्धजन परिवारी जनों द्वारा देखरेख ना करने पर आश्रम में एक माह पूर्व प्रवेश लिया। आवासीय वृद्धजन ने बताया कि मेरी पत्नी 40 वर्ष पूर्व गुजर गई थी। 1 साल का बच्चा जिसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया, शादी की नाती पंती हुए, जब मुझे इनकी जरूरत महसूस हुई तो मुझे एक मंदिर में छोड़ दिया जिसमें मैं अपना गुजारा स्वयं करता था। आँख खराब होने के बाद मैंने वृद्ध आश्रम में शरण ली, जहां पर मुझे घर से भी ज्यादा प्यार मिला। आश्रम छोड़ने पर घर परिवार को छोड़ने जैसा महसूस हो रहा है। संचालक ब्रजेश मुखरिया ने घर परिवार का पता लगाकर घर वालों से काउंसलिंग की। बार बार काउंसलिंग के दौरान समस्त रिश्तेदारों को बुलाया और वृद्धजन की इच्छा जानी। उसमें उनके पुत्र ने आवासीय वृद्ध की सेवा करने की ठानी तो इसे सुनकर वृद्धजन की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही वृद्धजन घर जाने को तैयार हुआ तो साथी वृद्धजन रोने लग गए। आश्रम के संचालक ब्रजेश मुखरिया ने इस दौरान सभी परिवारी जनों से अपील की है कि अपने वृद्धजनों को स्नेह दें और शायद आश्रम धीरे धीरे खाली हो जाएगा, जिस दिन मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। धौलपुर शहर में रविवार को 25 केंद्रों पर लगवा सकेंगे कोरोना का टीका। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में धौलपुर शहरी क्षेत्र में 4 जुलाई को वैक्सीनेशन महाअभियान के तौर पर 25 केंद्रों पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने समस्त वार्ड पार्षद बंधुओं से आग्रह किया है कि अपने वार्ड में नजदीकी केंद्र पर वैक्सीन लगवाने हेतु प्रचार प्रसार करें एवं अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कराकर अभियान को सफल बनावें। इन केंद्रों पर लगवा सकेंगे कोरोना का टीका। मदरसा बड़ा पीर, मदरसा जगन चौराहा, गांधी कन्या विद्यालय बिरजापाड़ा, संस्कृत विद्यालय पुराना शहर, राजा बेटी हॉस्पिटल लाल बाजार, त्यागी छात्रावास ओणिला रोड, चंदन बिला मैरिज होम भार्गव बाटका, गर्ल्स स्कूल राधा बिहारी, पंचमुखी हनुमान मंदिर गढ़पुरा, न्यू MTC हॉस्पिटल कास्तपाड़ा, विद्यालय महात्मा गांधी विद्यालय सिटी कोतवाली, केशव देव विद्यालय भोगीराम नगर, ITI रोड कृष्णावाली बगीची, नौगजा पुराना शहर, कामाक्षी ITI पटपरा रोड, रोजगार कार्यालय धूलगढ़ रोड, इंदिरा रसोई निहालगंज थाने के पास, भगवती मैरिज होम गोविंद बाटका रोड सुंदर कॉलोनी, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल भामतीपुरा, उदय शिक्षा निकेतन स्कूल नारायण कॉलोनी कलेक्ट्रेट के सामने, हाजी शमसुद्दीन मंजिल रमजानी चक्की के पास, मदीना कॉलोनी जेट टेली स्कूल, गोशाला कॉलोनी, PG कॉलेज धौलपुर, अंबेडकर पार्क सागरपाड़ा पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कोरोना कंट्रोल 056422203 पर संपर्क कर सकते हैं।